एवरीवन, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे लिटिल वन अश्री पश्री का पूरा डेली रूटीन, लाइक मॉर्निंग से रात तक वो क्या करता है, क्या क्या हरकतें, क्या क्या चीजें करता है, क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, सब बताने वाले हैं। एंड बहुत ही फन राइड होने वाली है क्योंकि अशर का रूटीन बहुत ही क्यूट और बहुत ही एंटरटेनिंग होता है। तो सबसे पहले आज आपको मॉर्निंग से बताते हैं कि क्या होता है। मॉर्निंग में अशर सो रहा होता है, एक्चुअली मॉर्निंग में अशर सो नहीं रहा होता, एक्चुअली मॉर्निंग होती है अशर की हमें उठाने से। हम लोगों का वेकअप अलार्म, वेकअप कॉल बन चुका है अशर। सुबह उठते ही सबसे पहले अशर हमें बांग देता है और फिर मम्मा पापा उठ जाओ ऐसे करके उठाता है और हम उठ जाते हैं और आपको चलते हैं रूम में लेके और दिखाते हैं अशर क्या कर रहा है। लेट्स टेक यू देयर। सुबह 9 बजे तो भाई अशर की गुड मॉर्निंग होते ही वो पहुंच जाता है अपने टेंट हाउस और पहले वो खेली खेली करता है। सुबह उठते ही अभी वो अपने नाइट सूट में है एंड बुक लेके आ गया है कि मम्मा मुझे बुक पढ़ाओ। लाओ बेटा, कौन सी बुक है? अशर लेके आया बुक हमारे लिए और कह रहा है कृष्ण जी की कहानियां पढ़ के सुनाओ। क्या बात है, गुड बेबी। हाँ, कह रहा है बहुत खेली खेली कर, अशर की बहुत खेली खेली होगी। अब इसकी मसाज भी तो करनी है, तभी इसकी टांगे एकदम स्ट्रांग होगी, पापा की तरह बॉडी बनेगी एकदम पापा की तरह। सुन लिया आपने? चलो, एवरी डे उठने के बाद खेली खेली करने के बाद अशर करवाता है अपनी मालिश। तेल मालिश देख अशर, और इसे बहुत मजा आता है। कोई मसाज होती नहीं, एटलीस्ट तेरी हो जाए। इसको बहुत मजा आता है मालिश कराने में। अब गुस्सा भी कर रहा है, फेंका भी आपने बेटा और गुस्सा भी आप कर रहे हो। चलो उठाओ उठाओ, सारी बुक्स उठा के यहाँ पे रखो। वेरी गुड, अभी से सारे स्किल सीखने हमने, कैसे चीजें अरेंज करनी है, क्या क्या करना है। पीकाबू, मामा के साथ पीकाबू खेलोगे? दिखाओ। ओके, ये क्या है आपको पता है? ऑक्टोपस। कोशिश करता है कुछ कुछ बोलने की। वेरी गुड बेबी। ऐसा लग रहा है अशर तेरे को ये चीज ज्यादा पसंद है, तेरे रूम में ले जाते हैं, इसी के साथ खेला कर वहाँ पे। सुबह 9:30 बजे ऐसे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है इसको। ओए होए, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाओ, दिस इज सो मच फन। और अशर का बाथ टब रेडी है। अशर अपना बाथ टाइम बहुत एंजॉय करता है, नहाते हुए टॉयज से खेलना बहुत पसंद है। ये बेबी। और फिर अशर के पापा उसको उसकी हाई चेयर पे बिठाते हैं। सुबह 11 बजे अशर करता है अपना ब्रेकफास्ट। क्या खाना है, नए नए फ्लेवर्स, न्यू सब कुछ न्यू। तो गाइज, हम मेक श्योर करते हैं कि अशर अपनी हाई चेयर पे बैठ के खाए मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो फिर ऐसा होता है कि साथ में बैठ के खाए, टेबल पे खाए, कहीं होटल में खाए, या जो भी है। स्टार्टिंग से हम ये कल्टिवेट करें कि हाई चेयर पे बैठ के खाए या स्ट्रॉलर में बैठ के खाए, मैक्सिमम टाइम्स हम ऐसे ही करते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि अशर कहते हैं नहीं मामा मुझे अकेले खड़े होके खाना है, तो फिर वो अकेले खाते हैं। और सुबह सुबह यूजुअली अशर खाता है पराठा। वेरी गुड बेबी, चलो खाओ पराठा। और अशर के लिए बने यहाँ पे कॉर्न्स। अशर को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिल गए आज कॉर्न्स, वैसे तो मम्मा इवनिंग स्नैक में देती हैं। चलो खाओ बेबी। तो अभी ये सीख रहा है चीजें उठाना, खाना, हाथ लगाना। जब ये खेल लेता है ना इन सब चीजों से, उसके बाद ये खा भी लेता है। हमें ही खिलाना पड़ता है ऐसे तोड़ तोड़ के। ये लो अशर, वन बाय पापा की ऐसे वांचू, ये एरोप्लेन की तरह घूमते हुए अशर के मुंह में गए। ये खाता है एरोप्लेन बना के। और जब अशर खा रहा होता है तो उसके साथ मामा और पापा अपनी कॉफी पीते हैं। मेरी कॉफी कहाँ है झूठी? एक ही बात है और बस साथ में बैठ के हम लोग मेक श्योर करते हैं कि अशर अपना खाना फिनिश करे। हम में से एक उसको यूजुअली फीड कर रहा होता है, अभी वो खुद को फीड कर रहा है, तो हमने सोचा लेट्स गिव हिम हिज ओन टाइम। और यहाँ पे हमने बनाया है चना सैलेड खाएंगे हम, अशर खाएगा अपनी रोटी। और अशर की नैप का टाइम हो गया। हाँ, मैं धीरे बोलूंगी क्योंकि अशर अब अपनी डीप स्लीप में चला गया है। दोपहर 12:30 बजे 12:30 हुए हैं एंड लेट्स सी अशर कब तक सोता है। आई थिंक एक घंटा तो सो ही जाएगा। इसको ऐसे गोदी में सुलाए रखूंगा तो 2 घंटे सोएगा, बेड पे सुला दूंगा तो 15 मिनट 20 मिनट। दोपहर 1:15 बजे मिनी बाइट्स में मैं अशर को यूजुअली ना ऐसे ब्रेड के स्लाइसेस करके बना के दे देती हूँ और फिर वो पूरा ऐसे एक स्लाइस उठा के खा लेता है आराम से। सो यस, तो आई थिंक ब्रेड भी नेसेसरी है ना। हाँ? तभी कुछ कुछ चीजें खानी सीखेगा। एग्जैक्टली कुछ कुछ तो खाए, अच्छी बात है। वैसे यूजुअली हम इसको खिचड़ी वगैरह भी खिलाते हैं ना। हाँ, खिचड़ी मतलब मेनली मैं इसको हर एक या दो दिन में खिला देती हूँ, लंच में या डिनर में खा लेता खुश होके। और कभी कभी मैं इसकी सैंडविच बाइट्स खुद भी। यही तो फायदा है। अशर बेटा कहाँ है? अच्छा, ओए अब कहाँ है? पापा को चलो फिर जल्दी जल्दी पढ़ाई भी करनी है। चलो चलो खाओ। कैमरा नहीं। आज ना सरप्राइजिंगली वेदर भी बहुत अच्छा है। इतने दिनों से गर्मी पड़ रही थी, इतनी धूप निकल रही थी,
थी। आज सरप्राइजिंगली आफ्टरनून में वेदर एकदम क्लियर है, हवाएं चल रही हैं। मुझे तो देख के इतना मजा आ रहा है ना ऐसे पेड़ हिलते हुए। वैसे एक बात बताऊं, एक होती है गर्मी, एक होती है उससे भी ज्यादा गर्मी, और फिर आती है दिल्ली की गर्मी। लिटरली दिल्ली की गर्मी को कोई बीट नहीं कर सकता, और इस बार तो मानो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पर ये बात हमारे अशर को कौन समझाए, उसको तो बाहर जाके खुशी मिलती है, स्ट्रॉलर पे वॉक्स करके, पार्क में रनिंग करके, ही लव्स इट। और अभी मौसम इतना अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ ले चलते हैं ना। हर्ष तू बिल्कुल सही कह रहा था, बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, आई थिंक हम अशर को वॉक के लिए लेके जा सकते हैं। यस अशर चलते हैं पार्क, बहुत सारी खेली खेली करेंगे। ये लेट्स गो। एक सेकंड प्रेरणा, हाँ अशर को सन रेडी तो कर दें। ओ यस यू आर राइट, मामाज़ गॉट अ परफेक्ट क्योर टू बीट द हीट, मामाअर्थ की रिच मॉइस्चराइजिंग अल्ट्रालाइट सनस्क्रीन SPF 50 प्लस, जो प्रोटेक्ट करता है बेबी की सेंसिटिव स्किन को सन की UVA एंड UVB रेस से, और करता है उसकी स्किन को नरिश और मॉइस्चराइज। ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री एंड मेड सेफ, कहीं भी जाओ इट्स सो कन्वीनियंट टू कैरी, इसीलिए ये है मामाज़ फेवरेट चॉइस फॉर बेबी। ये बेस्ट टाइम होता है बताया शहर का, इसको पता है इतने सारे ट्रीज दिखते हैं, झूले दिखते हैं। आज मैं इसको झूला रहा हूँ, कल खुद उछल उछल के झूलेगा, कितना मजा आ रहा है इसको। सीसो पे बैठेगा, सीसो पे। अरे अशर तो बिजी हो गया खेलने में। अगर आप भी यूज करते हो मामा अर्थ प्रोडक्ट्स तो आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो, क्योंकि मामा अर्थ आपकी बातें सुनता है। दे हैव इवन इम्प्रूव्ड देयर अनियन शैम्पू आफ्टर योर रिकमेंडेशन, वो अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं। तो अभी जो यूज करो मेरा कूपन कोड Wonder2024 टू गेट 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ वेबसाइट एंड ऐप। चलो अशर के साथ खेलते हैं, मुझे भी खेलना है, लेट्स गो। लेटर दैट सेम इवनिंग, तो अब टाइम है मेरा अशर के लिए इवनिंग स्नैक्स तैयार करने का, और आज मैंने सोचा कुछ अलग बनाया जाए। अशर के लिए बनाते हैं बनाना मफिन्स। तो मुझे बड़ा मजा आता है जब भी टाइम होता है ना अशर के लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ डिशेस ट्राई करने में, तो अभी भी हम यही ट्राई करने वाले। बाय द वे इस टाइम तक आपको पता है हमारे लिविंग एरिया का क्या हाल है, अशर जी ने क्या करे भाई, हर जगह बुक्स है, हर जगह सामान बिखर गया। हर्ष हमारा एस्थेटिक लिविंग रूम, एस्थेटिक कुछ नहीं होता जब बेबी आ जाता है। सही बात है, है ना अशर? बिल्कुल पापा सही कह रहे हो, एस्थेटिक होता है, उस पे ध्यान दो। सही बात है, हमारा बेबी इतना एस्थेटिक है कि हमें किसी और चीज पे ध्यान नहीं देनी पड़ती। सारी सारी बुक्स लेके आता है मेरे पास, कहता है ये लो पढ़ाओ, तो तू पढ़ा और मैं इसके इवनिंग स्नैक्स तैयार करती हूं। थोड़ा कंफ्यूज होता हूं क्या पढ़ाऊं, तू इतनी सारी बुक्स है, पंचतंत्र वगैरह देख भागता हुआ जाता है, जो चीज दिखती है उठा लेता है। तो काम करना, इसको पंचतंत्र की न्यू स्टोरी पढ़ा। वो अशर बहुत ध्यान से फॉर्म एनिमल्स देख रहा है। स्क्विरल, ये तो कैट, म्यू 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 माउस, माउस देख के खुश हो रहा है माउस। अच्छा अच्छा इस पेज पे क्या है? ओके इस पेज पे काऊ है, हॉर्स, ये लामा है, लामा बेटा ये लामा है। ओ देखो कैसे पढ़ाई हो रही है, बुक को खाना नहीं है बेबी। ये लास्ट पेज पे आते देखो, ये देखो मैच द करेक्ट शेडो, आप कर पाओगे? करो अभी पापा मैं बहुत छोटा हूँ। ये बंदर, ये बंदर इतने ध्यान से देख रहा है यार। अच्छा ये देखो क्रोकोडाइल, इसको एलिगेटर बोलते हैं। ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। छोटा सा अशर इतनी बड़ी बुक पढ़ रहा है, ये बड़ा सही है यार। उई हुई हुई हुई। अशर कोई एनिमल याद हुआ? पापा ने तो नए नए एनिमल्स के नाम सीख लिए हैं। हर्ष सच बताइयो, तू भी आज पहली बार ये बुक्स पढ़ रहा है ना? एक्चुअल में पहली बार तो नहीं, आजकल रोज यही बुक्स पढ़ रहा हूं। कैमरा पैसे हाथ लगा रहे? नो बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, लिटिल हो, आफ्टर 15 इयर्स। बाय। तो गाइस मेरे मफिन के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे बनाना, सिनेमन, कोकोनट ऑयल, व्हीट फ्लोर, वेनिला एक्सट्रैक्ट, बेकिंग पाउडर, शुगर हम हटा सकते हैं, पता नहीं किसने रख दिया, हर्ष ने, रोल्ड ओट्स, मिल्क। और अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाएंगे अशर का मफिन। ओके शुगर बिल्कुल भी नहीं डालनी क्योंकि अभी ये बहुत छोटू सा है, तो हम इसे शुगर और सॉल्ट बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। प्रेरणा थोड़े से ज्यादा बनाई ताकि मैं भी खा लूं। हां मुझे पता है। इसको मिक्सी में कर लें ग्राइंड? हाँ पहले मैं मिक्स करूंगी सारे इंग्रेडिएंट्स को, उसके बाद ग्राइंड करेंगे। पता है अशर आके देख रहा है क्या बन रहा है आज, कुछ डिफरेंट बन रहा है, पढ़ाई कर रहा हूँ भाई। वैसे इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें बनाती रहती हूँ यार। ये जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहा है ना प्रेरणा, मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरे पे जाएगा, पड़ाकू बनेगा मेरी तरफ, पड़ाकू। ओके तो मैंने यहाँ पे अपना बनाना जो है वो पूरा मैश कर लिया है फोक से। ओके नाउ नाउ हम इसमें ऐड करेंगे रोल्ड ओट्स, अशर के लिए बढ़िया एकदम बनने वाले हैं। मैं खा सकता हूँ ना यार, तू पहले बता दे यार। बस थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें व्हीट फ्लोर, आटा आटा आटा, लोग वैसे मैदा भी डालते हैं, बट हम थोड़ा हेल्दी वाला ही बनाएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज जस्ट 11 मंथ्स ओल्ड। 13 13 हो गया, ये भी नहीं पता तुझे? अरे हाँ यार। बेटा क्या कर रहे हो, आपने ऑलरेडी दो चप्पल पहनी हुई है, दो से क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो बेटा? अरे यार पढ़ाई करो। अब हम डालेंगे इसमें बहुत थोड़ा सा एसेंस, वनीला एसेंस, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, और बहुत ही थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बस, एंड मिल्क।
अब इसको घुछड़ मुछड़ कर देंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दो तीन एक्स्ट्रा बनाइयो, 8-10। ऑलराइट, तो गाइस वैसे ना रेसिपी में लिखा नहीं था, बट आई थिंक अगर आप चाहो तो आप जैगरी भी ऐड कर सकते हो, और मैं थोड़ी सी जैगरी डाल रही हूँ क्योंकि अशर को थोड़ा सा टेस्ट आए, तो जैगरी आई थिंक एक अच्छा ऑल्टरनेट है शुगर के लिए। शुगर हम अवॉइड करते हैं तो अवॉइड लाइक कम्प्लीटली तो ऑब्वियसली हर चीज से नहीं निकाल सकते, बट वैसे भी हम जो चीजें खा रहे होते हैं अशर को देख के ऐसे मन करता है कि यार ये चीज मुझे भी खानी है, तो हम उसे फिर डिनाई नहीं करते। बेटा क्या कर रहे हो आप, डिनाई नहीं कर रहे ना, हर चीज दे देते हैं। चलो सांचा दो भाई, अवन प्री हीट कर दिए, अब इसको हम अवन में लगाएंगे सांचे के अंदर। गाइस थोड़ा सा चेंज है प्लान में, अब हम ना अवन की जगह बना रहे हैं इसको गैस पे, क्योंकि हमारे पास ना वो अवन वाला सांचा नहीं था, तो हर टाइम हर चीज अवेलेबल नहीं होती, बट अगर आपको बनाना है तो जुगाड़ तो हमेशा चलते हैं, और गैस पे बहुत अच्छे मफिन्स बन सकते हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे बन जाएंगे। अशर भी कह रहे हैं कि अच्छे बनेंगे मामा, और आई एम प्रीटी श्योर स्किट मारी अशर ने, इसको भूख भी लग रही है। भूख लग रही है अशर बेबी? बेबी शर जु, 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 भूख लग रही है आपको? हाँ जी मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो फिर बजा के दिखाओ इसे, लेट्स प्ले अलोंग। चलो, और यहाँ पे बन चुका है हमारा सबसे खतरनाक काम अब होने जा रहा है। या हमने यहाँ पे अवन हीट कर दिया था, बट सांचा आप देख सकते हो जैसे कि हमारे पास था नहीं, तो हमने फिर इसमें ही बना दिया। लेट्स सी कैसा बनता है। आई थिंक गैस थोड़ी धीरे रखते हैं भाई, टेस्ट कर रहे हैं, और वाव मफिन्स तो फूल गए। तेरे को पता है मफिन्स फूल क्यों रहे हैं? हाँ? इसका मतलब होता है कि बच्चे को भूख है, अगर रोटी बनाओ रोटी फूल जाए। कौन से बच्चे को स्पेसिफाई कर, तुझ बच्चे को या उस बच्चे को? दोनों बच्चों को। भाई सही बन गए, इनको पलट लेते हैं अब एक बार, और अब वन फाइनल टाइम। क्या बात है, क्या मफिन बने हैं यार हर्ष। इडली मफिन। हर्ष वैसे यहाँ पे अपना कुछ कुछ खा रहा है भाई, आजकल पता है ऐसे खाना पड़ता है ऊपर, क्योंकि ये हाइट है, यहाँ पे अशर हाथ नहीं मार सकता भाई, इसका हाथ हर जगह पहुंचने लग गया। चलो देखते हैं इस पे कैसा रिएक्शन आता है अशर जी का। तो अशर को खिलाने से पहले ना एक बार खुद ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बना है। शक्ल से और खुशबू से बहुत अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं एक्चुअल में अच्छा बना है या नहीं। भाई बहुत डिलीशियस है, नेचुरल स्वीटनेस भी इसके अंदर, आई लव इट। आई एम श्योर अशर को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। भाई हलवाई कभी अपनी मिठाई की बुराई करता है? नहीं आई स्वर बहुत अच्छा बना। ये मैं टेस्ट करके बताऊंगा अच्छा है बुरा है। ये ले फिर तू करके देख। ऐसा करते हैं अशर से करवाते हैं। नहीं नहीं तू टेस्ट कर, सच में खा ले, इतना भी गर्म नहीं है। अरे खा भी ले। एक्टिंग कर रहा है। ओह माय गॉड, ये ना ज्यादा हो रहा है। अशर कल खिला, आज मैं सारे खा जाऊं। सच में अच्छा बने है ना? हाँ। ये तू ओट्स का पैकेट पकड़ के क्यों खड़ा है? डिप करके खा रहा हूं ओट्स में से। या कितनी हेल्दी रेसिपी है यार, आई एम सो प्राउड ऑफ माई हैंड्स और जिसने रेसिपी बनाई है। भाई अशर के लिए ना मैंने ऐसे छोटे पीसेस कर दिए हैं, क्योंकि बड़े तो वो खा भी नहीं पाएगा, और गर्म है तो थोड़ा सा ठंडे भी हो गए हैं, और यहाँ पे जब तक अशर बैठ रहा है तब तक ही ठंडे हो जाएंगे। बेबी दे रही हूँ, थोड़े से गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाए, भूख लगी हुई है एक्चुअल में। अशर का जूस का है ना, जूस नहीं पिलाना चाहिए? अभी पिलाते हैं, पहले खा ले फिर पी भी लेंगे। मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे पता था वो से जूस नहीं पीना, तुझे पीना है। लो भाई अशर आ गया आपका हेल्दी हेल्दी पैनकेक्स, चलो अब खाओ खाओ और बताओ मोमो ने कैसा बनाया है। खेल लो कोई बात नहीं, खेलो बट खा भी लो, खेली खेली करके खाओ, खेली खेली करते हुए खा लो ना बेबी, वेरी गुड। चलो उछाओ पिक वन, ये लो ये लो। ईट विदाउट हैंड्स मम्मा? नहीं नहीं खाएगा खाएगा धीरे धीरे। चैलेंज ईट विदाउट हैंड्स, कम ऑन अशर बेबी। अच्छा एक बाइट इसको खिलाओ बेबी शार्क। खाएगा। एंड फाइनली अशर ने ट्राई करा, दो तीन बार ट्राई करते हैं उसके बाद इसको टेस्ट आ जाता है, फिर ये खा लेता है। चलो 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 दोबारा करो ट्राई, दोबारा करो 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 करो, ईट ईट बेबी। एंड फाइनली अशर ने खा लिया, यम्मी, अच्छा है ना? हाँ अप्रूवल आ गया भाई, मम्मा बेस्ट कुक, मेरे बेस्ट क्लाइंट से अप्रूवल आया है। चलो 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 अब फिनिश करने हैं आपने, कम ऑन उछाओ और खाओ, वेरी गुड दैट्स लाइक माय क्यूट बॉय। मम्मा ने अच्छे बनाए हैं ये बोल रही है। गाइस 9:45 हो गए, अशर का स्लीपिंग टाइम हो गया है, तो चलो उसके लिए फटाफट से एक नाइट सूट निकालते हैं, एंड जिसे पहनाते हैं ये ब्लैक वाला नाइट सूट। अशर पूरा माहौल सेट हो चुका है, हर्ष सोने वाला है, सोने वाली हालत में, पर इसको चेंज करते कंफर्टेबल कपड़ों में। अशर पहनोगे आप ये नाइट सूट? हां पापा पहनूंगा। तो ये था अशर का नाइट रूटीन, अशर रेडी है अपने स्लीप सूट में और वो सोने लगा है। अशर सो जाएगा ना बेटा? बिल्कुल सो जाएगा, तो गुड बेबी है, हम इसको 8:30 to 10 में सुला देते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, से बाय बाय अशर, अशर से बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय। मामा अर्थ अवेलेबल है Amazon, Flipkart, Nykaa एंड स्टोर्स नियर यू। यूज अ कूपन कोड WONDER2024 टू अवेल 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स।